सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइव क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम स्केड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम स्केड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। सो आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का क्लास को शुरू किया जाए। सभी तैयार हैं मेरे सोल्जर्स, एक बार यस टाइप कर दीजिए। सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, एड्स वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन अमेरिका। ठीक है, प्रथम बार अमेरिका में एड्स की पहचान डैश में की गई थी। ठीक है, यानी कौन से ईयर में, 1984, 1983, 1987, 1981। ठीक है, तो सही उत्तर बता दीजिए क्या होगा। और एड्स का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो जल्दी बता दीजिए कौन से ईयर में हुआ था। तो 1981 में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। जिनका जिनका डी है, वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब तैयारी चल रही है। ठीक है, सो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम है। ठीक है, और एच आई वी का क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस। ठीक है, एचआईवी ह्यूमन आपका ह्यूमन इम्यून डिफिशेंसी वायरस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, कर्व्ड लेग्स, क्रूक्ड टीथ, प्रोटोंडिक ट्रंक इज द साइन ऑफ। आपका मुड़ी पैर, आड़ी टेढ़े दांत, बाहर निकली जीभ इसकी निशानी है। मधुमेह, मैक्सिडिमा, वाइटर, क्रेटेनिज्म, बता दीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। सो क्रेटेनिज्म का आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, डी, इसमें आपका सारा ये चीजें रहती हैं। ठीक है, ठीक है, सो ये बच्चों में होता है आपका डिफिशेंसी के वजह से। ठीक है, डिफिशेंसी के वजह से होता है। सो क्या होता है इसमें, आपका पता है ये सारी चीजें हो जाती हैं, कर्व लेग्स आपका, क्रूक्ड टीथ। ठीक है, और आपका जीभ बाहर आने लगती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटेनिज्म। ठीक है, ठीक है, बेवकूफपन जैसा करना। ठीक है, और ये आयोडीन की डिफिशेंसी की वजह से होता है, इसलिए आयोडीन की डिफिशेंसी से ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्गन हुज फंक्शन इज टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, एपेटाइट एंड स्लीप। प्रीवियस ईयर्स पीएमएम में ही मैंने आपको ब्रेन का पूरा अच्छा से एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सा पार्ट क्या आपका कंट्रोल करता है। तो पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा, सेरिब्लम और हाइपोथैलेमस, में से आपको बताना है पॉन्स, आपका मेडुला, सेरिब्रम या आपका हाइपोथैलेमस। किसका काम है आपका बॉडी टेम्परेचर, वाटर की अवेलेबिलिटी, एपेटाइट और स्लीप सबको कंट्रोल करना। तो ये आपका भूख प्यास, आपका शरीर का तापमान, सब आपका हाइपोथैलेमस का काम है। ठीक है, हाइपोथैलेमस का काम है। ठीक है, बाकी का आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का क्या क्या काम है, आपका भूख प्यास, शरीर ताप हुआ, आपको अच्छे तरीके से टेम्परेचर बॉडी, ये सब रेगुलेशन इसका काम आ गया। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लेटरल मेरिस्टेम इन लार्ज इन द प्लांट। लेटरल मेरिस्टेम इस पौधे में बढ़ता है, लंबाई, भार, मोटाई, आपका कोमलता। ठीक है,
तो लेटरल मेस्ट में आपका मेरिस्टम किस चीज में बढ़ता है आपका, जल्दी बता दीजिए। तो आपका ये हमेशा पौधे की क्या बढ़ाता है, मोटाई, ठीक है, मोटाई यानी आपका थिकनेस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थिकनेस बढ़ाता है, ठीक है, पौधे की थिकनेस बढ़ाता है। ये पौधा दूसरा हो गया, ये पौधा थिकनेस, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो आपका शीक उत्तर सही हो गया, उसको VVI कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोन्स विच हॉलो लाइट एंड कंटेन एयर इज कॉल्ड, हड्डी जो खोखली हल्की और हवा से युक्त होती है, रिमेटिक बोन्स, आपका कार्टिलेजिनस बोन्स, हार्ड बोन या कठोर हड्डी, डी टेंडन, आपको बताना है कौन सी आपकी हड्डी होती है। सो न्यूमैटिक बोन्स को हम लोग कहते हैं जो बोन्स आपका हॉलो होती है, लाइट होती है और एयर उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, न्यूमैटिक हड्डी, ठीक है। और ये वायु कोश वाली हड्डियां पक्षियों में पाई जाती है, इनलिए इसलिए वो लोग उड़ पाते हैं इजिली, ठीक है, क्योंकि उनका बोन्स का वेट कम होता है, ठीक है, इस वजह से वो लोग उड़ पाते हैं, ठीक है। तो न्यूमैटिक बोन्स आपका बर्ड्स में होता है, ठीक है, पक्षियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुटलेस एम्फीबियन यानी पादविहीन आपका उभयचर इनमें से कौन सा है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ईल, सांप, इक्टोपियस या सिलेमेंडर। तो फुटलेस एम्फीबियन किसे कहा जाता है, ठीक है। सो फुटलेस एम्फीबियंस VVI कर लीजिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पादविहीन आपका उभयचर इक्टोपियस को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग दूसरा नाम केसी लियन भी बोलते हैं, केसीलियन, ठीक है, केसीलियन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइटोफाइगस प्लांट आपको बताना है, अनावृति बीज पौधा किसे कहते हैं हम लोग, पाइनस, रागी, बीन्स या एडियन, ठीक है, जल्दी बता दीजिए, पाइनस, रागी, बीज, एनिडेंटियम। सो एडिडेंटियम होगा, बीन्स होगा, रागी होगा, पाइनस होगा, किसको हम लोग अनावृति बीजी पौधा बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए। तो पाइनस को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पाइनस, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रायोफाइट दैट डेवलप वर्टिकली इन, एक ब्रायोफाइट जो उद्गम रूप से विकसित होता है, तो आपका रिक्सिया, मार्केंशिया, ओलिथ्रॉक्स, आपका मॉस, जल्दी बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चलिए सही उत्तर आपका हो जाएगा यस, मॉसेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन, VVI कर लीजिएगा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, किसमें पाया जाता है, राइजोइड्स, ये VVI करिए इसको, जल्दी बताइए राइजोइड्स किसमें उपस्थित रहता है, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या एंजियोस्पर्म, किसमें प्रेजेंट रहता है आपका। तो ये आपका ब्रायोफाइट्स में रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, इंग्लिश में बी करेक्ट है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, न्यूमैटिक बोन्स आपका हड्डी किसमें होती है, दोबारा ये रिपीट हो गया, किसमें होती है, सागर की मछली में, सी फिश में, सभी आपका ऑल वर्टिब्रेट्स में, सभी आपका इनवर्टिब्रेट्स में या आपके सारे बर्ड्स में। तो अभी मैंने आपको बताया कि सारे बर्ड्स में न्यूमैटिक बोन्स होते हैं, तो इसको भी VVI कर लीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये वाला जितने भी क्वेश्चंस है इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस वन वर्ड के जैसा नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, कि आपको हो जाए, ठीक है, और क्वेश्चंस रिपीट होंगे यहाँ से, ठीक है, तो अच्छे से कीजिएगा इसको, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अभी तक ज्वाइन नहीं किया, और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स तो कर ही दीजिएगा, फीडबैक कैसी लगी क्लास, और इस तरह की क्लासेस और लाने के लिए और मोटिवेशन और एनर्जी मुझे मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स।